ताज़े मकई के दाने से डिश बनाएंगे। आप देखिए सबको पसंद आएगा, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। बहुत ही नरम मकई है ये, और इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे हरी मिर्च डाल के, और लहसुन, और एक अदरक का टुकड़ा, और नमक। अब इसको हम महीन पीस लेंगे, और आधा कप पानी डाल के इसको बहुत बारीक पीस लिया है हमने, और इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे हम चुटकी भर, और थोड़ा जीरा पाउडर, और इसमें आटा मिलाएंगे हम। 3 से 4 चम्मच आटा भी मिलाएंगे, इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। अब ये बनने के लिए तैयार हो चुका है, इसको हम अच्छे से मिला करके तवे पे इसको सेकेंगे फैला करके। तवा गरम करके इस पर थोड़ा तेल लगाएंगे हम, फिर ये धीरे से हमें बैटर डालेंगे, और इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप फैल जाता है, इसको छूने से ये बिगड़ सकता है, तो ऐसे ही रहने दें। इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर ये अपने आप पक के निकल जाएगा। एक तरफ से पक चुका है, फिर इसको हम पलट लेंगे, दूसरी तरफ भी सेकेंगे, थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि पीछे का भी अच्छे से सेका जाएगी। और ये तैयार हो चुका है, आइए अब इसको हम सर्व करते हैं मीठी चटनी या खट्टी चटनी के साथ। और ये हमने सर्व कर दिया है, और गरम गरम पराठे बने हैं मकई के, और घर की बनी हुई इमली की चटनी है, और ये ग्रीन सॉस है, आप इसको खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। और इमली की चटनी हमने घर पे बनाया है, इसका भी वीडियो अलग से डाल रखा है हमने, आप देखिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी फूड है ये, इसको आप खाइए, और पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए थैंक यू।